से वो गोरे गोरे से एकदम मस्ती सी हो जाए, थोड़ा अच्छा लगता है। हे गाइस, इट्स मी डागर प्रियांश, वेलकम टू माय अनदर फ्रेश ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को, स्वागत करते हो अपने इस नई वीडियो में। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार। जैसे कि देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में ठंडी बढ़ चुकी है यार, कल से और ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेट्रो गेट, जैसे कि देख सकते हो उस साइड में मेट्रो गेट है। मैंने सोचा क्यों नहीं चलते हैं आज आप लोगों को कुतुब मीनार घुमाते हैं। अभी शाम के 4 बज चुके हैं, 4 बजे हम लोग घर से निकल चुके हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा रात का व्यू दिखाना था, क्योंकि रात में कुतुब मीनार को बोला जाता है काफ़ी खूबसूरत लगता है, लाइटिंग वाइटिंग वहीं काफ़ी खूबसूरत होती है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पंसिल पार्क का, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ से हमें और अप्रोक्स 30 मिनट्स लगेंगे जाने में, तो चलते हैं अभी कुतुब मीनार। तो अभी आ चुके हैं मेट्रो के अंदर, हम लोग जा रहे हैं बस मेट्रो के लिए, बस प्लेटफॉर्म पर पहुँचने ही वाले हैं। और गाइस, आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखने, क्योंकि कुतुब मीनार सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि जितने मेन मेन पॉइंट है दिल्ली में घूमने के लिए वो सारे मैं कवर करूँ, उसके बाद दिल्ली कवर करने के बाद उसके बाद आगे कवर करेंगे। आगे में CISF के जवान है, इसके चलते मैं कैमरा भी बंद कर रहा हूँ, साइड में देख सकते हो आप लोग। तो वैसे भी मेट्रो के हम लोग आ चुके हैं अंदर में, जैसा कि पीछे में देख सकते हो प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे थोड़ा मेट्रो के अंदर ये होता है ना कि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता, तो छुप छुपा के आप लोगों को करता हूँ मैं ब्लॉगिंग। तो अभी हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं आपसे जब मेट्रो से हम लोग पहुँच जाएंगे नियर बाई स्टेशन में। अभी गूगल करके देख लेता हूँ कौन सा पड़ता है, उसके बाद पता चलेगा ना किस मेट्रो कौन सा ये, क्योंकि हमें जेंटा लाइन है, हमें येलो लाइन में जाना है, किस लाइन में जाना है पहले देख लेता हूँ मैं, कन्फर्म होता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आगे। और बस मेट्रो भी इस साइड में आएगी, पीछे में दिख रही होगी आपको हल्की हल्की, दिख रही है, तो बस मेट्रो भी आएगा, तो चलते हैं फटाफट हम लोग कुतुब मीनार। दिल्ली का सबसे क्राउडेस्ट मेट्रो स्टेशन माना जाता है, यहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हो ऊपर में कितने सारे लोग चींटियों की तरह रेंगते रेंगते हुए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में सबसे ज़्यादा जहाँ क्राउड होता है ये वही मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली का हौज खास, आपने सुना भी होगा बहुत लोगों ने। तो गाइस, फाइनली हम लोग अभी पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार, और यहाँ पर बहुत तगड़ा क्राउड है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी हमें टिकट लेना है, तो टिकट हमें उस साइड में मिलेगा, ये जो आपको लाइन दिख रही है इतनी बड़ी लाइन, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे, देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी है टिकट के लिए। बस तो इधर से टिकट काउंटर है, रास्ता इधर से चलते हैं, टिकट लेते हैं अपना, देख लो कुतुब मीनार लिखा हुआ है ना यहाँ पे कुतुब मीनार। मेन चीज़ चल रहा है कि अभी वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड के चलते यहाँ पे और भी ज़्यादा क्राउड रहता है, तो मतलब खाने वाने के लिए यहाँ पे आइटम्स हैं इस साइड में आपको मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ अगर ऑनलाइन टिकट का कुछ सीन होगा तो ऑनलाइन ही टिकट हम लोग ले लेंगे अपना, पता नहीं कहाँ पे। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है एक, तो ऑनलाइन का इतना लंबे लाइन में कौन लगेगा, यहाँ पे ऑनलाइन का सीन देख लेते हैं एक बार, ऑनलाइन के यहाँ पे दिखा तो रहा है, देखते हैं। तो गाइस, फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद फाइनली हमें अभी टिकट मिल चुका है, ये रहा वो टिकट, टोकन की तरह है, मतलब कि मेट्रो का जैसे टोकन्स होते हैं उस तरीके का है। तो अभी काफ़ी टाइम, आधा घंटे तक मैं लाइन में लगे रह गया, उसके बाद अभी चलते हैं आगे अंदर में, गेट का एंट्री यहाँ से शायद होती है, और क्राउड धीरे धीरे अब कम हो रहा है क्योंकि शाम का टाइम है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ चुकी है, तो चलते हैं अभी अंदर। अच्छा, जाने के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है यार अंदर जाने के लिए भी। चलो भैया, तो चलो चलते हैं। यहाँ भी ढेर सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं, देख रहे हो लाइन, क्राउड चेक करोगे एक बार, अंदर जाने के लिए भी इतना तगड़ा क्राउड है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। आप आओगे तो टिकट अगर आप लोगे तो टिकट के लिए भी आपको लाइन लगाना पड़ेगा, एंट्री के लिए भी लाइन लगाना पड़ेगा, पता नहीं ऐसा यहाँ पे है क्या। तो चलते हैं अभी एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या है सारी चीज़ें अंदर में। तो गाइस, अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार के अंदर, लाइन में लगे हुए थे, लाइन से अभी बाहर निकल चुके हैं, अभी अंदर चलते हैं, आपको मेन चीज़ दिखा दें जो मेन चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुतुब मीनार सामने ही में बस है, और काफ़ी अच्छा शाम के टाइम में इसका व्यू आ रहा है, अभी आगे से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, एक प्लेन भी आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, और कितना खूबसूरत लग रहा है शाम के टाइम में, और भी प्यारा लग रहा है, और थोड़ी थोड़ी धूप है और थोड़ा थोड़ा बादल है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बारिश का समय हो गया था। और इस साइड में आप लोग देख सकते हो कितना तगड़ा क्राउड है, देख रहे हो, मतलब कि अंदर इतना, मतलब एक घंटे तक मैं इधर ही रह गया, अंदर आ ही नहीं पाया, यहाँ पे ढेर सारे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं जैसे कि देख सकते हो। तो अभी चलते हैं अंदर, अपना मेन चीज़ ये है, इसी के लिए हम लोग आए हुए थे, तो अंदर चल के मैं आपको और सारी चीज़ें डिटेल्स में बताता हूँ।
तो यहाँ आने के बाद आपको दो तरीके से टिकट मिल सकता है, एक ऑफलाइन टिकट है, एक ऑनलाइन टिकट है। ऑनलाइन टिकट में बहुत ज़्यादा झोल झक्कड़ हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन टिकट में सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। डिटेल्स डालने के बाद उसके बाद आपको टिकट ऑनलाइन मिलेगा, और ऐसे काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी, इसके चलते मैंने लाइन से ही ले लिया क्योंकि आधार कार्ड ये सब वेरीफाई करने को बोला था, इतना कौन झंझट पालने जाएगा। तो ऑनलाइन टिकट हम लोग नहीं लिए, ऑफलाइन टिकट लेके ही हम लोग आए, टोकन जैसे मैंने जैसे कि आपको दिखाया। और टिकट का रेट बता देता हूँ, 35 रुपया जो एडल्ट नहीं रहेंगे उनके लिए, बच्चों के लिए, और 40 रुपये जो एडल्ट हैं उनके लिए टिकट है यहाँ का। और अंदर में आने के बाद कुछ इस प्रकार का हमें व्यू दिखते हैं। यहाँ पे कुछ खास है नहीं, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड रहता है, क्या ही बताओ। पीछे की ओर देख सकते हो आप लोग, ये देखो, देख रहे हो पूरे खचा खच लोग भरे पड़े हैं। यहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते हो, और ऊपर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से आर्ट वर्क किया गया, देख रहे हो। और ऊपर से कुछ इतना बहुत बड़ा है यार, फोटोज़ में कम दिखता है लेकिन सामने से आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। फोटोज़ में उस तरीके से आपको नहीं दिखेगी ये सारी चीज़ें, लेकिन सामने से मैं अपने रियल लाइफ से देख रहा हूँ तो काफ़ी बड़ा है। अभी धीरे धीरे शाम हो रही है, उधर सूर्य उदय हो रहा है तो शाम हो जाएगी, तो रात का व्यू आपको मैं अभी दिखाऊंगा। रात में यहाँ पे लाइटिंग भी होती है, उसी के लिए स्पेशली मैं आया हूँ। तो रात में आप जिसने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टा पे भी इससे रिलेटेड और बहुत सारी मैं रील्स डालते रहता हूँ, तो आप लोग जा करके फटाफट से मेरे को फॉलो कर लो, क्योंकि और भी अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे ही लाते रहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कितनी तगड़ी भीड़ है, देख रहे हो यहाँ पे। और ये कुछ खास है नहीं, यहाँ पे सिंपली आपको जो दिख रहा होगा कि ये टूटे टूटे हुए, मतलब खंडर वंडर टाइप के, और यही लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। कुतुब मीनार ऐसे ही नहीं फेमस है, ऑल इंडिया में पूरा कुतुब मीनार फेमस है, फॉरेनर ऑल इंडिया में कम कह रहा हूँ, कुतुब मीनार पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इतने सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हर जगह आपको फॉरेनर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे पार्क एरिया भी उस साइड में, अभी चल के मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे लगता है। एक बार दिल्ली आ पाओ तो ज़रूर विजिट करो। मैं दिल्ली में सबसे मेन मेन पॉइंट्स विजिट कर रहा हूँ, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, सारी चीज़ें कि मेन मेन जो है आप लोगों ज़्यादा अच्छा से आप जा सको, किस तरीके से आप जा सकते हो, ये भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैं मेट्रो से आऊँ, कुतुब मीनार येलो लाइन मेट्रो स्टेशन से मैं आया हूँ, वहाँ से बाहर निकलोगे तो 20 रुपये लेकर के आपको कुतुब मीनार तक छोड़ देंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं इधर पार्क एरिया में, पार्क एरिया में आने के बाद ऊपर अभी हम लोग चलते हैं, ऊपर देखते हैं, यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत काम वाम चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, कुतुब मीनार साइड में बंद है अपना, फिर से मैंने सब लोग फोटो क्लिक कर रही है, देखो अंकल को किस तरीके से फोटो क्लिक करवा रहा है, वाह वाह वाह, अलग लेवल के लोग हैं यार। और यहाँ पे वो वाला जो पोज होता है, ये हाथ करके रखते हैं लोग, ऐसा लगता है उस कैमरे का एंगल होता है मेन, तो कि कैमरा नीचे से क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको आता है पूरा कि हाँ। और भैया यूट्यूब वाले हमारे मिल गए, भैया यूट्यूबर हो क्या, यूट्यूबर हो कौन सा चैनल है हमारा, हाँ चैनल। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं, तो हमारे साथ में एक भाई हमारे जुड़ चुके हैं, इस साइड में आप देख सकते हो चश्मा पहने हैं और फॉरेनर्स जितने सारे आ रहे थे सब पे ये मजे ले रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दृश्य। तो मैंने बोला कि भैया कैमरा का एंगल सही कर लो, इस पे इस तरीके से यूट्यूब पे थोड़ी ना डालेंगे। तो देख लो कितने स्मार्ट लग रहे हैं भैया, शादी वादी भी हो, शादी होगी नहीं, शादी नहीं हुई नहीं हुई, LLM कर रहा हूँ मैं और लेट से हूँ, ठीक है। हमें दिल्ली वहाँ का बहुत अच्छा लगा, जो हमने अब देख रहे हैं कुतुब मीनार, बहुत ही अच्छी कुतुब मीनार है, और यहाँ पे विदेश से भी टूरिज्म काफ़ी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा देख के अपने, अच्छा है सब दिल्ली में। तो इसीलिए आप वीडियोस बना रहे थे यूट्यूब हैं फॉरेनर्स की ना जी जी बस बस दिल्ली, आप दिल्ली से हो? नहीं, नो, मेरठ से हूँ, मेरठ मेरठ जी, मेरठ। तो गाइस ऊपर में प्लेन देखो जा रहा है, प्लेन जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। चलो प्लेन तो दिखाते रहेंगे आपको, भैया से अभी बातें कर रहे हैं कि ये फॉरेनर की वीडियोस बना रहे थे, ये बताइए ये गलत बात है ना, फॉरेनर की वीडियो यूट्यूब के ऊपर बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा ना, हम थोड़ा मस्ती कर रहे थे, थोड़ा फनी, हां चलता थोड़ा है, विदेश से थोड़ा गोरे लोग हैं, देख के अच्छा लग रहा था, हम लोग काले काले इसके चलते हैं, काले काले से वो गोरे गोरे से एकदम मस्ती सी हो जाए, थोड़ा अच्छा लगता है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, कोरोना दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, फिर भी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर फॉरेनर जितने भी होते हैं सब लोग आ रहे हैं, तो सही बात है, लेकिन खुद प्रिकॉशन रखना चाहिए, मास्क कैरी करो आप लोग, आपने तो मास्क लगाया नहीं है, बोल रहे हैं मास्क कैरी करो मास्क कैरी के लिए तो बोल रहे हैं, पर ठीक है ना, अभी मोदी जी ने अलाउड नहीं कराया है कोई भी, कि यदि केजरीवाल जी ने भी कि दिल्ली में लॉकडाउन होगा या लगने वाला होगा, ठीक है, जब फाइनली हो जाएगा उसके बाद हम मास्क लगा लेंगे। बस बस भैया ये फनी चैनल है, ये आप बोरिंग बना देंगे। अच्छा लगा भाई से मिल करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलो शाम के 6 बजने वाले हैं अभी, और अभी भी क्राउड कम होने का नाम नहीं ले रहा, इस साइड में आप देख सकते हो कितना तगड़ा क्राउड है।
तो धीरे धीरे लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे लाइट्स भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी एक दो लाइट्स जल गई हैं, अभी पूरी प्रॉपर तरीके से जब लाइट्स चलती है तब आपको दिखाते हैं। अब सीधा हम आपको से रात में मिलते हैं। तो गाइस अभी फाइनली रात का टाइम हो चुका है, हल्की हल्की अभी भी रोशनी है लेकिन सारे लाइट्स जल चुके हैं। अभी पीछे में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देख रहे हो, एक सेकंड पीछे से दिखा देता हूँ एक बार, कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे पूरे किले में सारों चारों तरफ लाइट्स जल चुकी हैं, यहाँ पे भी लाइट्स जल चुकी हैं देख सकते हो जैसा कि, और काफ़ी ज़्यादा रात में खूबसूरत लग रहा है। और अभी भी जितना क्राउड था उस टाइम अभी भी उतना ही क्राउड है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिखाता हूँ अभी आगे चल के। और सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, लाइट्स ऑन होने से और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। ये सारी लाइट्स इस साइड में जल चुकी है और मेन तो सीन अपना यहाँ पे, ऊपर में भी लाइट्स पूरी जल चुकी हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से इतना ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। और नीचे में भी यहाँ पे लाइट्स है, पूरी लाइट्स पूरी जल चुकी है, येलो लाइट्स हैं, उसके चलते और भी खूबसूरत लग रहा है। मेन यहाँ पे यही होता है कि रात में जब लाइट्स जल जाती हैं तो लोग इसकी के लिए रुकते हैं, लाइट्स बस देखने के लिए, कि यहाँ से काफ़ी प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। आप जैसा कि देख सकते हो, एक्सपोजर को थोड़ा कम करके मैं आपको और दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है पूरी लाइट्स, ये पूरी डिट्टो पूरी की पूरी ये लाइट से सारे लोग अभी फोटोज़ वोटो सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो एक बार आओ यहाँ पे तो आप ज़रूर चेकआउट करो, यहाँ पे आकर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी लाइट्स जल चुकी है और यहाँ से मेन व्यू अपना आ रहा है कि यहाँ से आप खड़े होकर के यहाँ पे फोटोज़ भी ले सकते हो। तो मेन है हमारा कुतुब मीनार जिसके लिए हम लोग आए थे लाइट्स के लिए। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो अभी आ चुके हम लोग कुतुब मीनार के पास, हम लोग थे वहाँ पे, अभी यहाँ पे आ चुके हैं कुतुब मीनार। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, इसका एक्सपोजर थोड़ा कम करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ पे लोग ढेर सारे लोग हैं, फोटोज़ भी अपनी ले रहे हैं यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो आप लोग। और सारे लोग ही अभी पूरे के पूरे सारे लोग अभी रुके हुए हैं, 9 बजे तक की टाइमिंग है। दिन भर में सुबह में 6 बजे खुल जाता है और 9 बजे तक यहाँ पे आप आ सकते हो, घूम सकते हो, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है देख सकते हो। रियल लाइफ से जितने अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, वैसे कैमरे में पता नहीं कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्या ही बताऊँ आप लोग। और यहाँ पे एक बार आओ तो आप लोग चेकआउट ज़रूर करो। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दिल्ली के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे आकर के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को कितना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और मेन चीज़ है यार कि हम लोग बिहार से, तो बिहार में ये सारी चीज़ें नहीं हमें देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को तो मज़ा आ रहा है भाई, कुछ बोलो यार, बहुत तगड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ठंडी बढ़ते जा रही है, बस आप लोगों को ये चीज़ दिखाने के लिए, वो बच्चा भी यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ तक रुका हूँ कि भाई दिखा दूँ रात का व्यू। दिन में व्यू दिन सुबह से ज़्यादा रात में यहाँ पे प्यारा व्यू आता है। अभी चल रहे हम लोग पिलर के पास, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कुतुब मीनार के पास अभी चल रहे हैं, वहाँ पे भी लाइट सारी जल चुकी है। तो एक बार और आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चे बच्चे फोटो भी खिंचा रहे हैं और ये पूरी लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, और ये बाप रे साह, यहाँ से तो एकदम बहुत ऊँचा लग रहा है। और गाइस मैं कुछ ज़्यादा हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, मेरे को पता है भाई, हमने कहीं जब बिहार के और यमनी के मज़ा वाला खूब घूमे में पीछे रहुआ लोग देख के मज़ा नहीं जा नज़ारा के, एकदम अलग लेवल का नज़ारा है, एकदम अलग लेवल। पता है मेन चीज़ है कि अभी थोड़ा डर टाइप लगता है बहुत चूरी बोलने में, डरना तो नीचे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बिहार के हैं, बट डर इस चीज़ का लगता है कि लोग आते हैं ये सब, मतलब यार कितने अच्छे तरीके से, मतलब इतने टाइम के बाद तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने डर को दूर किया कि लोगों के सामने जाकर के किस तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। लेकिन ये अभी भोजपुरी वाला सीन, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उस चीज़ को हम लोग कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो कि अभी हो चुका है पूरा का पूरा रात का टाइम और रात का व्यू कुछ इस प्रकार से यहाँ का आता है। अभी मैंने थोड़ा दिखा दे लेकिन अब प्रॉपर तरीके से अंधेरा हो चुका था। यहाँ का अभी का व्यू अल्टीमेट है, जो होता है ना कि अल्टीमेट तरीके से एकदम अलग लेवल का व्यू आ रहा है यहाँ पे। और अभी भी बहुत लोग इसके अंदर में हैं क्योंकि सबको मेन फ़ोटो शूट के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि यहीं पे लोग लेते हैं फ़ोटो, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और क्या ही बताऊँ आप लोगों को, इसके अंदर चलते हैं और एक रील बनानी थी मेरे को यहाँ से। लेंस भी आ रहे हैं जा रहे हैं, देख लो आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये कुतुब मीनार इस साइड से आपको दिख रहे होंगे कि इस साइड से आपको प्लेन्स भी पास हो रहे हैं दिख रहे होंगे, इस साइड से प्लेन्स भी काफ़ी सारे पास हो रहे हुए हैं, तो काफ़ी इसके चलते और भी यहाँ का दृश्य खूबसूरत हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा इलाज। तो गाइस आज के वीडियो हमने कहीं एंड कही, कहेंगी वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।